सो गाइज गुड इवनिंग। तो भाई आज दिखाएंगे आपको, देखिए इधर पतरोड़े बन रहे हैं, तो पतरोड़ों की पूरी वीडियो बताएंगे क्यों पहाड़ी पतरोड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। आ रही है मेरी मम्मी, ये बना रहे पतरोड़े। आ रही है इधर नितिन, ये आ गया मोबाइल चलाने के लिए। और इधर है चंदू, और उधर है बाहर की तरफ अंजलि। और हम बनाए आप पतरोड़ों की फुल रेसिपी आपको बताएंगे पहाड़ी पतरोड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। तो गाइस आज बन रहे पतरोड़े, और ये डाल दिए इसमें मक्की का आटा, और साथ में ये डाला स्वाद अनुसार नमक, और ये डाल दी हल्दी और मिर्च। अब इसका पेस्ट बनाएंगे। ये मेरी मम्मी ये बना रहे इसका पेस्ट। ये क्या डाला? ये देखिए प्याज का पेस्ट डाल दिया इसमें। अब इसमें डालेंगे पानी जिससे कि इसका पेस्ट बन जाएगा। इस तरह से उतना ही पानी डालना है जिससे कि ये ज्यादा मतलब लिक्विड ना बने। इस तरह से इसको पेस्ट बना लेना अपने अच्छी तरह से। डाल दिया फिर से इसमें मिर्च, क्योंकि मिर्च कम थी जिसकी वजह से फिर से मिर्च डालनी पड़ी। आदि खा रहे मक्की, तो चबा लेते हैं आप मक्की? चबा लेते हैं? अच्छा, तो दांत है पूरे पूरे दांत है? हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 80-85 तो हो गई होगी। चलते भी अभी पूरे तरीके से यहाँ से? अच्छा भाई जी, इस तरह से होता है पतरोड़े का पत्ता, दे सकते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते लाए हैं हमने, ये लाया है जीजा जी। और इस तरह से जो पतरोड़े का उल्टा पत्ता होता है उसमें लगाते हैं पहले पेस्ट। अब दूसरा पत्ता ऊपर से रखेंगे, इसको भी उल्टी साइड में लगाएंगे पेस्ट हम। और इस तरह से पतरोड़ा बनता है, देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं। अब इसको फोल्ड इस तरह से करना है। और खाने में भाई बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसको बोलते हैं पहाड़ी पतरोड़े। पूरी वीडियो और बने रहें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे पूरी तरह से। और इस तरह से इसको रख देंगे। अब इसी तरह से सब पतरोड़े के पत्ते जो है इनको इसी तरह से फोल्ड करके एक एक करके इनको बना देंगे। ये देखिए इस तरह से पहले इसको उल्टी साइड में जो पेस्ट है मक्के के आटे का उसको लगा दे सकते हैं। और जो मक्के का आटा है यूज नहीं करना है आपने, तो भाई आप बेसन भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। तो भाई खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। अब रखेंगे दूसरे पत्ते को इसके ऊपर इस तरह से। तो और बना देना कुछ की पत्तरी बथेरे इतना भारी पाने कुछ खाने इसके ऊपर। तीसरा पत्ता भी लगा रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे पत्ते हैं जिसकी वजह से तीसरा पत्ता भी ऐसे दो पत्ते लगाते हैं। अब तीसरे पत्ते का यूज किया जा रहा है। इस तरह से कर देना अपने फोल्ड। अब यहां पर भी फिर से पेस्ट लगा फोल्ड करके इसमें पेस्ट लगा देना है आपने। तो जी लो जी बन गया अब ये पतरोड़ा। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना आपने। और ये देखिए जो पतीला है इसमें इस तरह से सकोटे लगाई जाती है, इसको बोलते हैं कनारू का छम्मण। इस तरह से लगाएंगे, इसके नीचे डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये जो पतरोड़े होते हैं ये तैयार होंगे
जो बाष्प बनेंगे नीचे से उससे तैयार होंगे, ये सारे बाष्प से तैयार होते हैं, तभी तो उनके खाने में टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत टेस्टी होते हैं। इसको लगाने नहीं आ रहा है, किस तरह से लगाना है ये देखिए। इस तरह से आपने लगा देना है, नीचे रह जाएगा पानी और इसके ऊपर लगाएंगे और जो पानी से बाष्प निकलेगी उससे ये पतरोड़े ये पूरी तरह पक जाएंगे। तो भाई इसमें साइड में जो है तेल लगा देना है आपने, सरसों का तेल। इससे क्या होता है ना, पानी भी सूखता है, इससे साइड में पानी लगेगा भाई इन पतरोड़ों में और ये मतलब खराब नहीं होंगे। उसकी वजह से साइड में तेल लगाएंगे, नीचे भी तेल लगाना था पर याद नहीं रहा। इस तरह से तेल लगा देना है पतीले के साइड में भाई। जिसमें डालेंगे अब नीचे पानी, बस इसकी बात से ही ये सारे पतरोड़े पकेंगे। लोटे पर रहे कितना का पाया, एक लोटा। ये देखिए इतना सा पानी डाल दिया इसमें, थोड़ा सा और डालेंगे। एक लोटा डाल दिया पहले, अब थोड़ा सा और डालेंगे। बस हो गया पानी, इतना सा पानी डालना है। उसके बाद गाइस इस तरह से रख देंगे इनको। तो पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको निकाल रहे फिर से। अब इस तरह से इसको मतलब एक लाइन में लगा देना इनको। कुकर में डाले मैं पकाने के लिए, क्या कच्चे तो है ये भाई। अभी चूल्हे पर उबल रहा हो दूध, जिसकी वजह से जो पतरोड़े हैं गैस पर रखे हैं अभी। अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको किस तरह से बने। अभी इसको कर देते हैं पैक। और इधर देखिए, इधर है छोटा मुन्ना, सब इससे दुलार कर रहे है ना क्यूटू कुकली कुकली। सब इर्द गिर्द बैठे हैं। और ये दादी किन्नौर से आई है, अपने क्या लगता है दोतू, अपने दोतू से मिलने। बड़ी दूर से आई है, 360 किलोमीटर दूर, यहाँ हमीरपुर में। ये देखिए है नी। तो अभी देखते हैं क्या क्या, अभी बाष्प निकलने शुरू हो गया इससे। देखिए अभी पैक कर देते हैं इसको भाई। रोक, ये देखिए ये रखा है पतीला, अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं किस तरह हमारे पतरोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितनी मतलब अच्छी तरह से ये पक चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने को। अब खाकर टेस्ट करते हैं किस तरह से तैयार हुए हैं ये। अभी इससे बाष्प चली हुई है, देख सकते हैं आप वीडियो में। तो भाई पहाड़ी पतरोड़ों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई को भी सपोर्ट। तो भाई पहाड़ी पतरोड़ों की वीडियो आपको दिखा दी, तो भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप अपने और अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाई नई नई वीडियो लाता रहता है। अभी थोड़ा ठीक नहीं है कंडीशन, इसके बाद आपको बाहर के जो हमारे गांव के दृश्य हैं अदर गाँव के, वो भी आपको दिखाएंगे। पर आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। ओके भाई, थैंक यू।